शॉर्ट फिल्म्स। हम सब अपने अपने 3D शॉर्ट फिल्म्स क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन एक शॉर्ट फिल्म या फिल्म कैसे क्रिएट की जाती है, आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सो लेट्स सी। सो बेसिकली किसी भी फिल्म या शॉर्ट फिल्म को क्रिएट करने से पहले हमें इन तीन चीज़ों को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टोरी, सीन्स एंड एनिमेशन। तो सबसे पहले स्टोरी या स्क्रिप्ट के बारे में बात करते हैं। तो किसी भी फिल्म के लिए उसकी स्टोरी लाइन ही उसका बेस होती है एंड एक स्टोरी लाइन ही अपनी फिल्म को अच्छा या बुरा बनाती है। सो अगर आपके माइंड में आपकी एनिमेशन फिल्म से रिलेटेड कोई भी आइडिया हो तो उसे आप लिख कर या स्टोरी बोर्डिंग के द्वारा उसे नोट डाउन कर लें, जिससे आपको आपकी स्टोरी के लिए एक बेटर क्लैरिटी मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं किसी भी एनिमेशन को क्रिएट करने से पहले उसे अपनी पेपर बुक में लिख कर या स्टोरी बोर्डिंग के द्वारा रफ स्केचेस क्रिएट कर लेता हूँ, जिससे हम अपनी स्टोरी को और बेहतर तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। इसे बेसिकली हम प्रीविजुअलाइजेशन भी कहते हैं। सेकंड, सीन्स। हम सब जानते हैं कि किसी भी 3D सीन्स को क्रिएट करने के लिए हमें 3D मॉडल्स की आवश्यकता होती है, लेकिन शुरू में जो सबसे बड़ा डर होता है कि क्या अपने सीन को क्रिएट करने के लिए हमें सब कुछ खुद से क्रिएट करना पड़ेगा या इंटरनेट पर हमें ये मॉडल्स मिल जाते हैं। सो टू बी होनेस्ट, हमें सब कुछ खुद से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती है। इंटरनेट पर हमें काफ़ी सारे मॉडल्स इजीली अवेलेबल हो जाते हैं एंड अराउंड 90% बेसिक मॉडल हमें फ्री में ही अवेलेबल हो जाते हैं। इंटरनेट पर काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट हैं जहां से आप फ्री में 3D मॉडल्स डाउनलोड कर सकते हो, लाइक स्केच फैब, CG ट्रेडर्स, टर्बो स्क्वाड, फ्री 3D, ब्लेंडर किट, मेगा स्कैन, पॉली हेवन, गम रोड एंड ब्लेंडर मार्केट। यहाँ से आप काफ़ी सारी 3D एसेट्स फ्री में ही डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे स्केच फैब मेरी पर्सनल फेवरेट वेबसाइट है, क्योंकि यहाँ पे हमें काफ़ी सारे हाई क्वालिटी मॉडल्स हमें इजीली एंड फ्रीली अवेलेबल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अपने इस सीन को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मैंने ब्लेंडर किट एड ऑन का यूज़ किया है। सो ब्लेंडर किट एड ऑन को यहाँ से डाउनलोड करके ब्लेंडर के अंदर हम इसे इंस्टॉल कर लेंगे। एड ऑन को इंस्टॉल करने के लिए सिंपली अपन यहाँ पे एडिट में, प्रेफरेंसेस में जाकर एड ऑन में इंस्टॉल पे क्लिक करके हम अपने एड ऑन को यहाँ से इंस्टॉल करके देन यहाँ पे इसको इनेबल कर देंगे। अब सिंपली यहाँ पे क्लिक करके आपको जो भी मॉडल्स डाउनलोड करने हैं उसको यहाँ पे सर्च करके सिंपली अपने सीन के अंदर ड्रैग कर लेंगे। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपने सभी मॉडल्स यहाँ पे डाउनलोड कर लिए हैं। देन इनको डाउनलोड करने के बाद अपनी स्टोरी के अकॉर्डिंग इनको अपने सीन के अंदर सेट कर देंगे। इसके अलावा आप अदर वेबसाइट भी ट्राई कर सकते हो एंड वहां से भी आप मॉडल्स डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद हम अपने थर्ड पॉइंट एनिमेशन के बारे में बात करते हैं। सो एनिमेशन अपने 3D फिल्म का सबसे बेस्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि बिना एनिमेशन के कोई भी फिल्म क्रिएट नहीं होती है। सो एनिमेशन के अंदर हम सिंपली अपने ऑब्जेक्ट, मॉडल्स, कैरेक्टर्स, कैमराज, लाइटिंग, इन सभी को एनिमेट करके हम अपने सीन के अंदर मूवमेंट्स क्रिएट करते हैं। सो एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए हम अपने ऑब्जेक्ट की लोकेशन, रोटेशन या स्केल को अलग अलग फ्रेम्स पर की फ्रेम ऐड करके उसे एनिमेट करते हैं। लेकिन अगर आपका कोई कैरेक्टर है तो उसके आर्मेचर की बोन्स पर हम की फ्रेम लगाकर उसे एनिमेट करते हैं। इसके बारे में और अधिक जानने के लिए आप मेरा ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हो। सो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपने एनिमेशन का सेटअप कुछ इस प्रकार से क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपने सीन के अंदर यहाँ पे कैमरास को एनिमेट किया हुआ है। अगर आप चाहो तो आपके अलग अलग सीन्स के लिए आप अलग अलग फाइल्स क्रिएट कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपना पूरा एनिमेशन एक ही ब्लेंड फाइल के अंदर क्रिएट किया हुआ है। इसके लिए मैंने यहाँ पे मल्टीपल्स कैमरास का यूज किया है। तो इसको समझाने के लिए सिंपली अपन यहाँ पे शिफ्ट ए के साथ यहाँ पे एक और कैमरा ऐड कर लेंगे, देन उसको सेलेक्ट करके हम टाइमलाइन पे कंट्रोल बी के द्वारा यहाँ पे कैमरा मार्कर ऐड कर लेंगे। एंड आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हो यहाँ पे अपना सेकंड कैमरा एक्टिव हो गया है। इसको आप सिंपली राइट पैनल में सीन प्रॉपर्टी में यहाँ पे कैमराज में देख सकते हो, हमारे यहाँ पे सेकंड कैमरा एक्टिव हो गया है। देन इसी प्रकार हम अलग अलग कैमराज ऐड करके उनके लिए मार्कर्स ऐड कर लेंगे एंड अपने सीन के अंदर अलग अलग एंगल से यहाँ पे एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको इस एनिमेशन का कंप्लीट ब्रेकडाउन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं जल्द ही आपके लिए इस एनिमेशन का कंप्लीट ब्रेकडाउन अपलोड कर दूंगा। सो एट द एंड एक अच्छी 3D एनिमेशन फिल्म के लिए एक अच्छी स्टोरी लाइन के साथ साथ अच्छे सीन्स एंड अच्छा एनिमेशन होना काफ़ी ज़रूरी है, वरना। सो दैट्स ऑल, आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। एंजॉय योर क्रिएटिविटी, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।